हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है, एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट है, स्थायी नौकरी है, भारत सरकार की नौकरी है। सैलरी रेंज अलग अलग रहेगा क्योंकि अलग अलग पोस्ट है इसके हिसाब से। और सिर्फ दिल्ली में ही जॉब लोकेशन नहीं रहेगी, जो ऑर्गेनाइजेशन उसके जहां जहां भी यूनिट्स है वहां पर पोस्टिंग मिलेगी, लेकिन उनमें से एक दिल्ली में भी है। सभी स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की नौकरी है तो वो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास, एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है अप्लाई कर सकेंगे। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो एक जो चीज है ना कि सिर्फ दिल्ली नहीं, और भी इसके सेंटर्स होंगे जहां पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट मे बी पोस्टेड एट हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली और एनी ऑफ इट्स रीजनल सेंटर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जहां जहां भी उसके यूनिट होंगे वहां पर पोस्टिंग आपको मिल सकती है, और उनमें से एक दिल्ली भी है, दिल्ली हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ऑटोनॉमस बॉडी है, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, वैसे ही ये भी है, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। तो आप समझ गए होंगे, ट्रेनिंग एंड कल्चरल रिसोर्सेज से रिलेटेड ये डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती का मतलब हो गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, या जो भी टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट वगैरह होगा, या डायरेक्ट इंटरव्यू ले सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि उनको कितने कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं और कितने एप्लीकेशंस आए, उसके हिसाब से वो टेस्ट नहीं भी रख सकते हैं। टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी, और इसीलिए इन्होंने अभी सिलेबस जो है ना डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि वो देखेंगे कितना फॉर्म आ रहा है, इसके हिसाब से आगे का प्रोसीजर वो सेट करेंगे। अभी फिक्स प्रोसीजर इनका नहीं है सिलेक्शन के लिए। तो इसमें अकाउंट ऑफिसर है, 4 वैकेंसीज अकाउंट ऑफिसर में भी है। पे लेवल 7 दे रहे हैं, मतलब 7 पे, मतलब 44,900 की बेसिक पे है, तो लगभग 65,000 रुपीज या उससे ज्यादा बनेगी सैलरी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 1 पोस्ट है, पे लेवल 7, 65-70,000 तक सैलरी बनेगी। कॉपी एडिटर, इंग्लिश 1, हिंदी 1, ये देख लेंगे। अनरिजर्व में 1 सीट है, ओबीसी में 1। यूआर का मतलब है ओपन कैटेगरी, जनरल की सीट है, अनारक्षित, अनरिजर्व। इसमें किसी भी दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्व कैटेगरी के भी कर सकते हैं। वीडियो एडिटर 1 वैकेंसी, डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट 1, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर एंड कोऑर्डिनेटर 2 वैकेंसीज हैं। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 वैकेंसी, UR1, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी पोस्ट अच्छी है। ट्रांसलेटर पे लेवल 6 पे भी सैलरी अच्छी मिलेगी। अकाउंट्स क्लर्क 2 वैकेंसीज हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क 6 वैकेंसीज हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर 2। तो जैसा आपको समझ आ रहा होगा अभी देख के कि ये जो कुछ पोस्ट हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लो LDC की, अकाउंट क्लर्क, हिंदी ट्रांसलेटर, ये कम से कम ये 4 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकेंगे। फिर भी देख लेते हैं, कॉपी एडिटर आप देख लें, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में कुछ एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो इसमें छोटे छोटे PDF बनाए इन्होंने, एक PDF में इन्होंने बस इतना ही लिखा है। अप्लाई करने के लिए इनके पास कोई ऑनलाइन पोर्टल इन्होंने जारी नहीं किया है, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं आते हैं इनके, तो इसलिए इन्होंने कोई ऑनलाइन पोर्टल जो है ना इसकी जारी नहीं की है। ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन मोड का मतलब है कि आपको फॉर्म भर के भेजना होगा दिए गए एड्रेस पर। फॉर्म जब आप भर के भेजेंगे तो वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फॉर्म दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो यूज करना है। डिमांड ड्राफ्ट कितने की है वो सारी चीजें देख लेते हैं, फीस कितने की है। तो एक PDF इन्होंने ऐसा बनाया, अभी एक एक सिंगल सिंगल PDF में इन्होंने चीजें जो है ना कवर की है। तो दूसरा फिर देख लेते हैं। तो जैसे आप रिक्रूटमेंट पेज पर जाते हैं तो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन में इन्होंने बताया कि कैसे अप्लाई करना है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में क्वालिफिकेशन बताई है, मतलब एक एडवर्टीजमेंट, एक PDF में इन्होंने हर चीज कवर नहीं की है, तो इससे क्या प्रॉब्लम भी हो रही है अलग अलग PDF ओपन करने में, और इनका PDF क्विकली ओपन हो भी नहीं रहा है। तो क्लोजिंग डेट है 28 अक्टूबर, मतलब 28 अक्टूबर तक आपके जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जानी चाहिए। क्या क्या चीजें अटैच करनी है, कितना फीस, कैसे फीस भरना है, वो डिटेल मैं इसी वीडियो में आपको बता देती हूँ। तो क्लोजिंग डेट 28 अक्टूबर 2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचना चाहिए। पहले कवर करेंगे क्वालिफिकेशन,
अकाउंट ऑफिसर मैं इसलिए कवर कर देती हूँ क्योंकि 4 पोस्ट्स हैं इसमें और काफी ज्यादा कुछ ऐसा नहीं मांग रहे किसी भी ऑटोनोमस बॉडी में, पीएसयू में, गवर्नमेंट ऑफिस में 3 इयर्स अगर आपने कैश अकाउंट या बजट का काम किया है और आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये परमानेंट पोस्ट रहेगा। इसलिए 35 इयर्स जो है ना अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी जॉब हो तो एज में रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलती ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी अच्छी पोस्ट है, बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से है लेकिन 2 साल एक्सपीरियंस है आपका ऑटोनोमस बॉडी में, गवर्नमेंट ऑफिस में। मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज ऑल्सो फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी वर्क समवेयर और वर्किंग समवेयर। तो कॉपी एडिटर 1 पोस्ट है इंग्लिश की, ये देखेंगे क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी 2 ऑप्शन है कॉपी एडिटर का है। तो इसमें या तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है हिंदी या इंग्लिश से, आप मास्टर डिग्री हैं एंड डिप्लोमा किया जर्नलिज्म एडिटिंग, तो ये काफी चीजें मांग रहे हैं। ये भी पोस्ट मैं छोड़ देती हूँ। वीडियो एडिटर की भी पोस्ट छोड़ देंगे क्योंकि ये फिल्म एडिटिंग से रिलेटेड है और प्लस एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट की पोस्ट देख सकते हैं, एक ही पोस्ट है इसमें, डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है और 1 साल का आपने कहीं भी काम किया, कहीं भी, जरूरी नहीं कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पर भी आपने डॉक्यूमेंटेशन वर्क किया है जिसका आपके पास एक सर्टिफिकेट है तो आप एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। होता है ना, बहुत लोग ऐसे भी काम करते हैं कई जगह पे, प्राइवेट में भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क, क्लरिकल वर्क भी अगर हुआ तो इनके लिए इसमें काफी कैंडिडेट कवर हो जाते हैं। तो 30 इयर्स तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर एंड कोऑर्डिनेटर, तो ये भी जो पोस्ट है ना इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं इसलिए इसे मैं छोड़ देती हूँ। क्राफ्ट मतलब क्राफ्ट वाले कैंडिडेट देख लें। हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट अच्छी है, एक ही पोस्ट है बट इसमें सर्टिफिकेट मांगते हैं ट्रांसलेशन का, या तो ये भी पोस्ट मैंने छोड़ दिया। जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड कैंडिडेट है वो देख लें। डायरेक्टली आते हैं अकाउंट्स क्लर्क, LDC एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर पे। तो LDC में ज्यादा पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क सीरियल नंबर 9, तो इसको पहले कवर कर लेते हैं। इसमें UR में 3 सीट है, मतलब जनरल के लिए 3 सीट है, OBC में 1, SC में 1, EWS में 1। अभी आप ध्यान देंगे ST में कोई सीट नहीं है तो UR में अप्लाई कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में तो आपके पास SC ST जो भी, जहां से भी आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से बनाया सर्टिफिकेट तो वो चलेगा। 30 इयर्स तक के कैंडिडेट LDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट अगर रिजर्व कैटेगरी से होंगे तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, चेक कर लेते हैं। इनकी एडवर्टीजमेंट अच्छी नहीं है, अलग अलग इन्होंने बनाया, अलग अलग 5-6 PDF बनाए, एडवर्टीजमेंट इतनी अच्छी नहीं है इनकी। चलिए जो भी है, जैसा भी है दिल्ली में है तो, क्योंकि दिल्ली में वैकेंसीज वैसे भी नहीं आ रही है, तो दिल्ली में है लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। 12th पास होना चाहिए, बस इतना ही बोल रहे हैं। इंटर पास, जूनियर कॉलेज, 11th 12th जो भी आप बोलना चाहें, सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कोई भी टाइपिंग की आपके सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। टाइपिंग आनी चाहिए क्योंकि टाइपिंग की है टेस्ट लेंगे, तो टाइपिंग आप बाद में भी सीख सकते हैं। 1 मंथ का क्रैश कोर्स लगा सकते हैं या 1 या 2 मंथ का आप इसमें कोर्स कर सकते हैं। तो टाइपिंग स्पीड भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, हिंदी या इंग्लिश कोई भी आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर पे होना चाहिए लेकिन, तो ये अच्छी पोस्ट है, 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। 6 पोस्ट भी हैं। अकाउंट क्लर्क में भी कोई भी ग्रेजुएट, अब अकाउंट लिखा है लेकिन इन्होंने कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं मांगे हैं, इन्होंने कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में कि एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है एक्सपीरियंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसीज है, UR में 1 है, बाकी जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट है UR में करेंगे क्योंकि OBC में सिर्फ 1 सीट है। फिर 30 वर्ष ऊपरी आयु सीमा है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। इसके लिए भी सेम है कि सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए और टाइपिंग की ये स्पीड जो है ना ये टेस्ट करेंगे टेस्ट के टाइम। और ये हो गया, अब देखें इतना ही सा लिखा इस PDF में, फिर एक और नई PDF ओपन करनी पड़ेगी। अभी बैक चलते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन वाली पेज जो है ना चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जनरल इंस्ट्रक्शन में बताया कि कैसे अप्लाई करना है, फीस कैसे पे करनी है और कहाँ पहुंचना चाहिए। तो अब ये सेक्शन में, जनरल इंस्ट्रक्शन में बेसिकली आपको पता चलेगा कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, वो मैंने आपको दिखाया अभी, जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म गिविंग फुल डिटेल्स एंड रीसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अभी आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है
उस पर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है जब आप पेस्ट करेंगे तो। और जितने भी फोटो कॉपीज हैं 10th ऑनवर्ड्स, जितने भी, अभी जैसे आपने LDC के लिए अप्लाई किया, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो आपने 12th बेसिस पर अप्लाई किया, बट अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो वो सारे सर्टिफिकेट भी जरूर अटेस्ट करके, अटेस्ट मतलब अपनी सिग्नेचर, खुद की सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्टेड लिखा है ना, तो आप अपनी सिग्नेचर, खुद की सिग्नेचर करेंगे। एंड अगर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो वो सारे सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, और अगर नहीं है, सिर्फ 12th पास हैं, तो वहां तक का, तो 10th, 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है, सभी के लिए पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज फोटो कॉपीज लेंगे, सब पे साइन करेंगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेंगे, उस पर भी साइन करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंड एनवेलप में ऊपर जो है ये लिखना है पूरा आपको, और गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से ही आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, नॉर्मल कुरियर नहीं करना है, नॉर्मल डाक से नहीं भेजना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट यूज करना है, 30 दिनों के अंदर पहुंच जाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जब पब्लिश होगा तो उसके 30 दिनों के अंदर पहुंच जाना, उन्होंने डेट लिखा है ना। फीस चेक कर लेते हैं, और फीस पेमेंट कैसे करनी है, अगर आप SC ST OBC PWD एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट हैं, तो आपको जो है ना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, प्रेस्क्राइब फॉर्म एज एज स्टिपुलेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो सर्टिफिकेट होगा वो लगेगा यहाँ पे। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन, स्किल और इंटरव्यू। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा, डेंजर है, सबको नहीं बुलाएंगे, जो कि गलत है, जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को बुलाना चाहिए, बट ये सबको नहीं बुला रहे हैं, उनका जिनको मूड आएगा बुला लेंगे, मतलब जिनको शॉर्टलिस्ट करेंगे उनको बुलाएंगे, तो जिनको बुलाएंगे उनके लिए हो सकता है रिटन एग्जाम हो सकता है ना भी हो, फिर सिर्फ स्किल टेस्ट, अब जैसे LDC की पोस्ट है या जो भी पोस्ट है उसके लिए सिर्फ टेस्ट ले लेंगे या सिर्फ इंटरव्यू ले लेंगे, तो ऐसा रहेगा, तो कुछ भी फिक्स नहीं है इनका, तो आप ऐसा समझ के, मतलब कि पैसे आपके वेस्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हो है यहाँ पर, ऐसा सोच के अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं SC, क्योंकि वो बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे मालूम नहीं। SC ST PW 250 रुपीज है, और जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपीज है। देखिए ये बात मैं इसलिए यहाँ कह रही हूँ क्योंकि कितने जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं परमानेंट, उसमें सभी कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर तक तो जाने देते हैं, सभी को बुलाया जाता है, एडमिट कार्ड सभी के लिए इशू किया जाता है, और सभी के एग्जाम्स लिए जाते हैं या सभी के स्किल टेस्ट लिए जाते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि जिनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, मतलब जिनको मूड आएगा उनको वो बुला लेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है मामला, ये समझते हुए आप अप्लाई करना चाहते हैं अगर तो कर सकते हैं। तो पेमेंट मोड जो है ना, डिमांड ड्राफ्ट बनानी है आपको 500 रुपए की जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए, एंड 250 रुपीज SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। कैसे बनाना है डिमांड ड्राफ्ट, कोई भी बैंक आप चले जाएं आसपास, और जिसमें आपका, अगर आपका अकाउंट है तो जनरल ग्रांट इन एड अकाउंट CCRT पेबल एट न्यू दिल्ली, ये बैंक वालों को आप बताएंगे कि इतने अमाउंट का बनाना है और इस फेवर में बनाना है, तो वो डिमांड ड्राफ्ट बना के देंगे। तो जो आप फॉर्म सबमिट करेंगे उसमें आप कॉपी अटैच करेंगे और एक कॉपी अपने पास प्रूफ के लिए रख लेंगे। तो ये हो गया, अभी ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप एक बार विकिपीडिया चेक कर लें, ऑफिशियल वेबसाइट में आपको आना है, और करियर सेक्शन आपको कहीं यहाँ पे देखें, सबसे जब नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो मिशन मोड, रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट इन CCRT, ये वाले एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो इसी में चार पांच ऑप्शन आएंगे, फॉर्म आएगा, गाइडलाइंस आएंगे, जनरल गाइडलाइंस आएंगे, फिर शॉर्ट एडवर्टीजमेंट, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में डिटेल कुछ नहीं है, फिर वो जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा आपको। तो जो भी है इसको ही क्लिक करेंगे तो सारी चीजें वन बाय वन अलग अलग PDF में दी हुई है सिस्टमेटिकली, वो चेक करना होगा आपको। इसका वेबसाइट काफी स्लो खुल रहा है तो ये देखना है आपको, कई बार नहीं भी खुल रहा है, टाइम लग रहा है, तो मुझे ओपन करने में ये आधा घंटा लग गया। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करने पर मिल जाएगी, लिंक चेक कर लें और एक बार खुद वेरीफाई भी कर लें वेबसाइट को, हो सकता है तो विकिपीडिया से मैच कर लें लिंक को।